मैं सोच रहा हूँ चोरी कर लूँ मम्मी के अकाउंट से। द अमाउंट आई नीड इज़ अराउंड अबाउट 3,000 यूरो विच इज़ तकरीबन 8-8.5 या 9 लाख के करीब। वो थोड़ा हमको फालूस चाहिए था। फालूस क्यों? ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3,000 यूरो की। दिमाग खराब नहीं रहा, मतलब 8-8.5 लाख रुपया बनेगा। एक तो सही नहीं है। और आप इस तरह रिएक्ट करिए, मैंने आपसे जैसे 10 लाख रुपया मांग लियो। तू पुत्र थोड़े जे तो इदा नहीं मन मेंटली तैयार करता। क्या कह रही थी? मैंने कहा इना ही ना खाने हैं तां ही साढ़े दिल बंद हो जाते हैं। आई होप आई डोंट रिग्रेट दिस न्यू कट। हेलो, गुड मॉर्निंग मुंबई, अस्सलाम वालेकुम। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग हैपनिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग में अम्मी आ चुके हैं एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। तो बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो, ठीक है? चलो भाई शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अम्मी जान, ओ मेरी अम्मी जान, क्या हाल है? कैसी हैं? क्या कर रही हैं? आलू गरम, आलू गरम कब से है? आलू गरम, आलू प्याज और आलू। क्या करने लगे? क्यों लेके जा रहे हैं? कैसे जुड़े हैं बेचारे, अलावा कर दें, काट के ही होंगे। मैंने कहा ऊपर कुछ थोड़े से रखूं क्योंकि ये टेबल बाहर रखा है कि अंदर अभी ज़रा मौसम है ना हबस वाला, मैंने कहा फिर ख़राब हो जाएंगे। उस दिन लेके आई हूँ तो कल संडे था ना, कल लेके आई हूँ तो मैं कोई ज़रूरत के ऊपर ले जाऊँ। आज तबीयत कैसी है? बेहतर है, ब्रूफन खाती हूँ जितनी देर, रात सारी सार में बहुत दर्द रहे, सुबह उठ के पहले ब्रूफन खाई, अब फिर बेहतर है। अभी अंडे बनाते हैं, अभी कोई पता नहीं बनाना क्या, ये तो वैसे ऊपर लेके जा रही हूँ। ओके गाइस, सीन पता है क्या है? मुझे करना है अपग्रेड। I have a lot of things and I have realized that I don't even use them. For example, this iPad. For example, this Microsoft Surface 7 Pro, Surface 7. ये तो बहुत अरसा हो गया यूज़ ही नहीं करता, ठीक है? And this gimbal of DJI. So I have something in mind. I want to buy something. And खैर इन सब का तो मैं देखूँगा मैं क्या करता हूँ। I'm gonna probably sell them. अगर कोई खरीदना चाहता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। Osmo 6, Surface 9, Surface 7 Pro, iPad 9th generation. या फिलहाल यही है for sale. Oh, these lights. So if you want to buy anything, let me know. But उससे ज़्यादा मज़े की बात आज पता क्या होने वाली है? मुझे चाहिए तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया और मैं अम्मी से जाके मांगने वाला हूँ और अम्मी का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। एंड अभी मैं आपको बता नहीं सकता किस लिए चाहिए, वो मैं सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ। बट आई एम गोना अपग्रेड माय व्लॉगिंग इक्विपमेंट्स, व्लॉगिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें अपग्रेड करनी है। सो या लेट्स गो एंड लेट्स सी अम्मा जान का क्या रिएक्शन होता है। अम्मा से पैसे मांगते हैं। इससे पहले मैंने थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? द अमाउंट आई नीड इज़ अराउंड अबाउट 3,000 यूरो विच इज़ तकरीबन 8-8.5 या 9 लाख के करीब। सो अभी मैंने दोबारा से कैलकुलेट किया, इससे पहले जाके मांगूँ तो या एनीवेज कभी मैं कपड़े बदल लूँ क्योंकि हम जा रहे हैं ग्रोसरीज लेने। तो अम्मी को ज़रा बताते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। पहले गाड़ी बाहर निकाल लें। अनफॉर्चुनेटली डल गया आई। भाई गाड़ी बाहर निकाल लें, फिर अम्मी से बात करते हैं। आई चल भाई चल चल चल। ओहो हो हो गर्मी। अच्छा जी अम्मी जान आ गई। अम्मी मुझे ना काम है एक आपसे। क्या? कोई काम तो कुछ पैसे चाहिए थे थोड़े। क्यों चाहिए थे ना? वजह? हाँ वजह बताता हूँ बता। चल पहले फिर ग्रोसरी करते हैं बाद में। पहले ग्रोसरी का नहीं ज़ाहरी बात है, ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं पहले वो ज़रूरी, खाना पीना ज़रूरी, पैसे ज़रूरी। फिर पैसे बाद में देंगी ना? कार्ड हटाए ज़रूरी नहीं, मैंने कहा नहीं बाद की, बाद में देखते हैं। चल तो सही ना, चलें फिर बाद में देखते हैं। टेबल से कार्ड हटाए। उठा लिए चलें चलें, मतलब बाद में दे देंगे। ठीक है चलो चलो गाइस पहले ग्रोसरी कर रहे हैं। देखिए आपके लिए फुल AC लगाया हुआ है, फुल ट्रीटमेंट, VIP ट्रीटमेंट। कोई लालच बताए, लालच दसो ना। वो तो पहले ग्रोसरी कर रहे हैं ना, चलें वही ना लालच पता चलते। चलें चलें पहले ग्रोसरी करें भाई। मेरे लीडल आ गए, मेरे का दोनों कहने लगा था। चलें भाई ग्रोसरी कर लें जल्दी से, फिर आपसे एक बात करनी है। ट्रॉली ले क्या पहले? बहुत धूप है भाई आज तो, जरा ट्रॉली ले जाके। धूप इतनी ज़्यादा है, हम भी बाहर खड़ी भी नहीं है, अंदर चली गई हैं। धूप है तो मतलब बाहर इंतज़ार भी नहीं करेंगे, मैं अंदर चल के मैं पौधों के पास। ये लिडल में अंदर हाँ, मैंने अंदर ध्यान ही नहीं किया। उस दिन कहता लिडल में अंडे ही नहीं होते, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है ना हो। अच्छा भाई यहाँ पर हमारी शॉपिंग जारी है, जारी है। और वो अम्मी जी शॉपिंग के बाद ही बात करें फिर। हेलो हेलो हेलो, देखो इग्नोरिंग, बात तो सुन लें। मैडम कोई काम चाहिएगा आपसे? मुझे कोई काम नहीं आपसे, बात तो सुन लें। फिर बात सुनी भी नहीं आपने। मेरा काम भाई, बात सुनी नहीं, कुछ नहीं, कोई पता नहीं चाहिए कितने, कुछ भी नहीं। पहले ये देखें मुझे पता होगा तुझे थोड़े तो चाहिए ही नहीं, थोड़ों का तो तू मुझे घेरता नहीं है। तू घेरता ही तब है जब तुझे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। नहीं ज़्यादा नहीं है तुम्हें। चलो भाई ग्रोसरीज करते हुए मैंने किसी महान बंदे से सुना था, औरतों को स्पेशली आंटियों को ना ग्रोसरी करते हुए बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए। आई मीन प्यारी प्यारी और लड़कियों को। ये फंस प्यासी ग्रोसरी करते हुए तंग नहीं करना चाहिए, तो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अम्मी का ये थेरेपी है, फ्री टाइम, जो मर्ज़ी खरीदें। मर्ज़ी में क्या, इधर से मेरी मर्ज़ी का क्या है, सारा घर वालों को ही लेकर सारा आज आप पे तो मेरे पे ही होता है। जैम तो वैसे आप ही बोतल है अभी इस तरह नहीं लेते। पता लगे झूठ की सजा होंगी, सही है। ऐसा स्यापा रोज़ पे हम नाश्ता ख़त्म ही होता, नाश्ते का स्यापा हाँ ख़त्म ही रहता है जी। ये जितना मर्जी ले जाओ, एक चीज़ ही ऐसी है खाना जितना ले जाओ ख़त्म हो जाता है। खाना थोड़ा खाओ ना, पेट है, कोई ज़रूरी तो नहीं है इन्ना को भरो पेट। मैं तो शरीफ बच्चा हूँ, खाता ही नहीं। चल झूठा। अच्छा इसकी तस्वीर बनानी है, वीडियो बना ली बोले। और नहीं वो ना भेजना है उसको, मोहम्मद मीर को कब्ज़ रहती है तो मैंने बाजी से कहा था ये उसे खिला के देख। चले बना ली तस्वीर, बना ली हाँ। अच्छा इसका पता नहीं है घर तो, इसमें जो मैंने पूरा बड़ा डब्बा भरा बैंक है, इसमें सुसरी सी होगी। सुसरी कीड़े छोटे छोटे, सुसरी हाँ उसको पंजाबी में सुसरी कहते हैं। काले कीड़े नहीं होते जो अनाज के होते। A few moments later. हमें शॉपिंग की सबसे बड़ी एडवाइस क्या है? कीमतें पढ़ के ध्यान से करो, जज्बाती होके ना करो, महीना भी गुजारना हो। हर चीज़ पहले तो जो ज़रूरत है वो लो, दूसरा मतलब देखो हर चीज़ जो इनकी अपनी ब्रांड की है वो कम कीमत की होती है, जो दूसरी ब्रांड की है वो ज़्यादा। उसमें फार्मूला अगर वही है तो वो कम कीमत वाली लो, तो समझदारी से करो। और साथ जो बंदा है वो भी चुपचाप आए, वो मुंह ना होता चोर 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 ना चला, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बोलता, इसलिए मैं इतना अच्छा बच्चा। मम्मी आज मुझे पैसे देंगी है ना। अपनी इधर देखें, इधर देखें, अपनी गलत फैमिली नहीं सोचेंगे, सोचेंगे पहले तो तीन देखेंगे ना तुझे चाहिए है? इसकी प्राइस नहीं लिखी, फ्री है नहीं, ये 139 ऊपर ऊपर हमेशा उधर से प्राइस होती है, वो उतरी भी है ये तो इसकी। क्या कहनी थी? महंगाई नहीं ना खाने ताई साढ़े दिल बंद हो टोका टाकी भी तैयारी रखने की, जो कोई नौ या कुछ होके ही खुद ही खरीदती है, खुद ही बोलती रहती है ये इसलिए खरीदते हैं, ये इसलिए माइक कर दी। ये सोचो गोरे हैं, ये जैतून का तेल छोटी सी बोतल ऐसे साफ सुथरी हल्की हल्की डाली, हम इतना बड़ा बोतला दो दो खाते हैं महीने में, फिर भी महीने के एंड पे ख़त्म हो गई। तो मैडम कहाँ तक पहुँची आपकी शॉपिंग? इधर इधर पीछे मुड़ के आवाज़ नहीं आ रही। आप जो चीज़ें लगी हुई हैं वो देखती हो ना, चक्कर चल रहे हैं दिमाग तबीयत ख़राब है भाई, इतनी भी नहीं देखी। इसको खड़ा करना। अच्छा चलो भाई इधर इसको पार्क कर दी हमने। ये क्या सारे सब ड्राई फ्रूट, पीछे सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह 255, लेकिन जिसमें तो किशमिश तो खाता नहीं। तो भाई अब हमारी जो शॉपिंग है ना वो हो चुकी है ख़त्म, ठीक है, पर अम्मा जान आप जो है वो देख रही हैं वैसे चीज़ें। मेरा 6 बजे बाल कटवाने का टाइम है, ठीक है, तो 20 मिनट आए जल्दी कर लें। दो तो घंटे हो गए हमें शॉपिंग करते हुए। 9 बजे आए, मार खाने का इसका दिल होता है, मज़ा आता है। और माँ दिया माँ दिया गाला, घ्यो दिया नारा, नहीं नाला, क्या कहते हैं किस तरह होता है, घ्यो दिया नाला, नाला नाड़ा, पंजाबी में नाड़े हैं उसको कहते हैं। अच्छा नाड़ा, और नाला मैं नाला कह रहा था, वेन्स को नाड़ा, नाड़ा नाड़ा नाला, माँ दिया गाला घ्यो दिया नाला, प्यो दिया गाला, माँ दे छितर, प्यो दिया गाला घ्यो दिया नाला। ले लो ले लो, सब ले लो, उसके बाद जो मुझे चाहिए वो दे देना। मैं नहीं ले ये ले, मैं रख लेता है, अभी आपको पता भी नहीं है मैंने लेना कि इतना पहले ही। अब ये वैसे ओवर रिएक्शन हो गया है, अभी आपको पता भी नहीं मैंने किस लिए लेने हैं, कितने लेने हैं, और आप इस तरह रिएक्ट करिए। मैंने आपसे जैसे 10 लाख रुपया मांग लियो, तू पुत्र थोड़े जे एडा नहीं मन मेंटली तैयार करता नहीं, रिएक्शन तो आप ऐसे दे रही है। मैंने 10 लाख मांगे, मुझे पता होता है तूने कुछ बड़ा ही मांगना होता है ना, तो तब तू ऐसी एक्टिंग करता है, ओवर एक्टिंग, कि भाई जो है ना कि अम्मा को काबू में करो। फिर नहीं नहीं इतने ज़्यादा नहीं है काम है, मैं आपको काम बताऊंगा, आपको भी आप कहेंगे ठीक है। वो कुर्सियाँ कुर्सियाँ बाहर बैठने के लिए कुर्सियाँ ले लें, बैठा बंदा तो है कोई नहीं, सारे फिर लोर लोर फिरते हैं। तो अच्छी कितने की लगी हुई है पता नहीं, ये लगी हुई वैसे कहीं लगी हुई 47.99। हाँ एक की प्राइस इतनी, 20% आपकी श्योर, एक की प्राइस 47.99 रहने दें। मेरी बेटी कह रही इस दफ़ा जो सिलेबस है ना बच्चों का 500-500 यूरो का है, बुक्स और चीज़ें, कह रही इतनी महंगी होगी, बहुत महंगी पढ़ने वाले पता है, पहले तो इतनी महंगी नहीं है, पहले हमारे ज़माने में सस्ती होती। हाँ पहले मतलब महंगी तब भी होती नहीं, पर इतनी नहीं, किताबें महंगी है, हमें किताबें लेनी पड़ती हैं, ये ना को हमारे बच्चे इसलिए पढ़ गए हैं किताबा नहीं लेंगे। चलो भाई फाइनली बिल कराने का टाइम आ गया, इस पे बिल कराते हैं। चलें गैस करें कितना बिल बनेगा, हमें गैस करें कितना बिल बनेगा, जितना एक बिल। अभी रुक जाएं पहले मुझे गैस बताएं, देखा मेरी बात ना सुने तो यही होता। गैस बताएं मुझे कितना बिल बनेगा। 85-90 मैं बता रहा हूँ, ये 100 यूरो बनेगा, देखते हैं 100 बने, 10 का डिस्काउंट मिलेगा, 100 बने, मस्त प्लान है। यानी आपके बिल से ऊपर हो गया 80 से 90, 93, 100 हो ही गया। में 100 से ऊपर फिर वो भी गए 10 में, वो 10 हम डिस्काउंट होगा ना। गाइस बिल देखें पूरा 100, फिर मानती है मेरी पूरा 100 डिस्काउंट के साथ। ये ना लेते तो 95 था, नहीं तब भी 100 से ऊपर था, लेते तो 95 तब भी 100 से ऊपर था, डिस्काउंट करके 95 ये ना ना लेते 95 था भाई, 10 का डिस्काउंट था 100 से ऊपर शॉपिंग पे। तो वैसे 150 की होती है, इस दफ़ा मैंने कहा थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मानती है मेरी प्रेडिक्शन पूरा 100 बड़ी प्रेडिक्शन है तेरी। तो भाई शॉपिंग हो गई हमारी, बाल कटवाने 4-5 मिनट रह गए, मम्मी को घर ड्रॉप करूं और जाऊं मैं बाल कटवा लूं। और तो फिर आज मेरे का धोना पे नहीं जाना, मेरे का धोना कल पे रख लेते, कल उधर भी जाना है, फिर शाम में कर लेंगे। मेरे का धोना तो कुछ नहीं। तो चलो भाई निकलो 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 निकलो, मेरे का धोना तू वापसी पे आते हुए ले आना। A few moments later. अच्छा भाई सीन ये है कि सारी चीज़ें हमने घर उतार दी हैं। सो आई एम गेटिंग लेट फॉर माई हेयर कट, तो मैं हेयर कट करवा के घर आऊँ तो फिर अम्मी से बात करते हैं और देखते हैं अम्मा जान क्या करती हैं। मुझे लगता तो नहीं मान जाएंगी, पर यार देखो बहुत दिल है भाई का, क्या करें क्या करें, भाई का दिल है तो दिल है ना भाई, दिल तो है, अब क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मान जाएंगी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आगे 5 मिनट लेट हो गया, मेरा दोस्त ना हो ना किसी और को अपॉइंटमेंट दे दे, इसका भी पता भी नहीं वैसे, किसी और को वैसे ही दे दे, इतना भी अच्छा नहीं है। चलो भाई चलते हैं, फिर वहाँ पर जाके मिलते हैं। भाई गलत जगह भी पार्किंग मिली है हमेशा की तरह, पर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, खैर है अपनी जान पहचान है, कुछ हुआ तो खैर है, मजाक कर रहा हूँ, कोई जान पहचान की। चलो भाई बाल कटाने चलें। आज मैं थोड़ा सा हेयर कट चेंज करूँगा काफ़ी अर्से बाद, आई एम गोना गो फॉर अ डिफरेंट हेयर कट एंड होपफुली अच्छा लगे मुझे, अगर ना अच्छा लगा तो फिर भाई रोले हो जाएंगे। तो मैं 10 मिनट लेट हूँ, देखते हैं क्या करता है वो। चलो नेवर माइंड, उसका अपना भी पुराना कस्टमर पे थोड़ी सी कटिंग रहती है। आपस की बात है, मुझे बाल कटवाना इतना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है ना, पर इतनी बुरी आदत पड़ी हुई है कि हर हफ्ते मैं बाल कटवाता हूँ, तो क्या करूँ, कोशिश करता हूँ हर हफ्ते कटवाऊँ। अब तो बहुत कम हो गए, नहीं तो पहले तो हर हफ्ते कटवाता था। तो भी मुझे ये टेंशन हो रही है कि मेरा 1 घंटा यहाँ पे भी ज़ाया हो जाना है, बट अच्छा भी लगना ज़रूरी है। तो भाई आई होप आई डोंट रिग्रेट दिस न्यू कट, बट फिलहाल तो अच्छा जा रहा है, देखते हैं लेट्स डू द कट और उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके भाई वी आर डन विद द कट, और फिलहाल अभी आगे रखे हैं बिकॉज ये भी एक स्टाइल हो सकता है, बट मोस्टली आई थिंक मैं बाल पीछे ही कर दूंगा। सो बताएं मुझे कमेंट्स में बाल आगे अच्छे लगेंगे मुझे या पीछे, पीछे करके जब घर जाके दिखाऊंगा उस वक्त आप लोग देखना। तो खैर लेट्स गो बैक होम, वही घंटा ज़ाया हो गया, बट वेल लुकिंग फ्रेश दैट्स व्हाट इट काउंट्स। अब जाके अम्मा जान, ये दरवाज़ा बंद नहीं था, जाके अम्मा जान को मनाते हैं, पूछते हैं क्या बनता है, देखते हैं हमें पी से मिलता है या नहीं मिलता। लेट्स गो। अच्छा भाई मैंने कहा बाल शाल कटवाए हैं, ज़रा डेट शेट मारो, मजाक करो, मेरे का तो ना जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा जो चीज़ें लेनी थी वो यहाँ से ले आऊँ, जैसे दूध वगैरह ये वो चीज़ें, तो वो भी हो जाएंगी क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं होना, कल मैंने जाना है बार्सिलोना। तो लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट आई एंड अप बाइंग। 5, 6, 7 और ये होगी हमारी 8वीं, लेट्स टू 9। चलो भाई लेट्स लोड इट अप एंड मेरे को बहुत भूख लगी है। ये काम मैं इसलिए करूँ कि घर जाके ना हम ही बोलें वो कितना अच्छा बच्चा है मेरा, फिर मेरी बात मान लें। देखो भाई क्या क्या काम करने पड़ते हैं। सो एनीवे लेट मी नो अबाउट द न्यू लुक, कैसी लग रही है। काफ़ी मैंने 8-9 महीने बाद अपना हेयर कट चेंज करवाई, सो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसा लग रहा है। ठीक है ये हो गया सारा, लेट्स गो होम। चलो भाई तकरीबन मैंने 8-9 महीने से या 1 साल होने वाला है तकरीबन। आई वॉज ऑलवेज विद टेपर, बट आई थिंक अब टाइम आ गया, मैं कहा यार थोड़ा सा चेंज करते हैं लाइफ में, थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, टेपर से थोड़ा सा हटते हैं, अब कोई और हेयर कट ढूंढते हैं। क्योंकि कल को क्या पता बाल ना हो तो कम से कम ये नहीं होगा कि सारे हेयर कट ट्राई नहीं किए। भाई आगे घर सारा सामान रखती है, ले आए दूध जो आप कह रही थी लेके आना है। हाँ वो मैंने कहा फिर अकेले ट्राली कैसे रेड पे लाया नीचे, बस फिर करना पड़ता है क्या करने, मजबूरियां निकिया निकिया ते बेचारियां तो मजबूरियां, बस मजबूरी ऐसी चीज़ बंदा की टब्बर बीवी बच्चे ने बेचारे ऐसे ही लगता है सबके लिए। मैं बीवी बच्चे हैं सारे मेरे, लेके आता हूँ मैं सबके लिए। तो खैर बाल कटवा लिया, इस बार अलग कटवाएं, इस बार अलग कटवाएं, देखें मुड़ के देखें। इस बार पूरा अलग काट ही अलग है पीछे से। 8 महीने बाद बाल चेंज कटवाए मैंने। सही रोड़ा रोड़ा कुछ भी। आगे खाने में क्या बना मम्मी? चावल बनाए और साथ बैंगन है और रायता बना। अच्छा मिशी वो तो बड़े मजे का, आप जैसे अच्छा कोई खाना बना ही नहीं सकता। काम है हाय मस्का है, हाय मस्का मस्का नहीं, काम है कब से। क्या काम है? वो थोड़ा हमको फालूस फालूस चाहिए था। फालूस क्यों? आज कितना फालूस लगा के आए हैं। नहीं आज वाला फालूस तो कुछ भी नहीं है, खैर थोड़ा फालूस चाहिए हमको। क्यों? कुछ चीज़ें लेनी है। क्या चीज़ें लेनी? ब्लॉगिंग अपना थोड़ा सेटअप थोड़ा अपग्रेड करना है। क्या लेनी है हमारा? पहले भी नहीं, सिर्फ आईफोन ही है ना, आईफोन पे सब करता हूँ मैं, एडिटिंग अपलोडिंग सब कुछ। कितने लैपटॉप हैं, कितनी वो चीज़ें वो है, पर नहीं है ना वो ब्लॉगिंग के लिए नहीं है ना चीज़। अच्छा तो वो नहीं है ब्लॉगिंग के लिए, तो वो क्यों कमरा बना हुआ है? वो बेच दूंगा सारी, तेरा यही काम है 2 दिन चीज़ रखना। सुन तो लें पहले, बेच दूंगा पहले, सुन तो लें। एक ब्लॉगिंग के लिए दो चीज़ें लेनी है बस। क्या? वो मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता ना, फिर सबके लिए सरप्राइज खत्म हो जाएगा। कितना पैसे के आएंगे? वो 2 चीज़ें बस, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3000 यूरो की। दिमाग खराब है तेरा। मतलब 8-8.5 लाख रुपया बनेगा। एक तो सही नहीं, पहले चीज़ें हमारे पास सबसे अच्छी अपडेट वाली हर चीज़ है हमारे पास। ऐसे ही रोज उठा के 8 लाख लगा दो, 10 लाख लगा दो, शादियां नहीं करनी। हमें शादियां जब होंगी देखी जाएगी। हाँ होंगी तो फिर की करा दे उस पर कैमरे बेचा दे, मोबाइल बेचा दे। शादी की मूवी बनाने के पैसे नहीं देने। हाँ नहीं मस्त प्लान है, फिर मूवी का देते बना दे, कैमरे बेच दिया फिर शादी कर लांदे। नहीं शादी की मूवी के कोई सेविंग भी रहने दिया कर। सेविंग आपको पता है मेरे से नहीं होती है। तो तुझे कौन कहता है तू कर? मैं जो कर रही हूँ तो मुझे करने तो देना। तो ये तेरे तो वो हाथ में कोई कीड़ा है, 2 दिन बाद नहीं खुजली होती है, अम्मी ये करना अम्मी ये करना। मुझे सुबह से पता था जो अम्मा को मस्के लग रहे हैं ना, आते जाते आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, इसने पैसे ही मांगने हैं। कोई पैसा शैसा नहीं है ना, इतने ज्यादा नहीं। मुझे मेरी आंखें देखे हल्के पड़ गए फोन पे रेटिंग कर करके। अब मुझे फोन से ओथे तू की कादे नाल करनी है, ओथे भी अखा नाल ही खैर नाल करनी है, फोन से करनी है। पर वो ऐनक लगा किया कर, इतनी महंगी ऐनक बनवा के दी। फोन की स्क्रीन इतनी सी होती है ये। तू ऐसे कर बड़ा वो ले आ, इस कमरे में पड़ा है ना जो हमजाक वाले में, बड़ी स्क्रीन उस पे बैठ के कर रेटिंग। अपनी एक एक बड़ी अच्छी चीज है, 5-6 साल अगले। मैं आपको कहता हूं पहले भी यही, जब लाइटें तो कुकिंग के लिए नहीं थी, कुकिंग पर खत्म। हां तू अगा निकलता जाना तो चीजें पीछे छड़दा जाया कर। ये चीज 5-6 साल ले ली तो हमें कोई और चीज, मतलब तू जब भी लेता है तू यही मुझे कहता है, अब और कोई चीज नहीं, अभी इतना अरसा लेनी कुछ नहीं करना। तू मुझे सिर्फ ना आखिरी चीज कब ली थी? आईफोन लिया था, आईफोन 15 वो आया था पाकिस्तान जाने से पहले, हमने वो लिए थे जिससे तू क्या उसको कहते हैं वो गिम्बल वगैरह, गिम्बल मैं पहले कह रहे थी कंबल पर वो लिया था जब आप कुकिंग तो नहीं ये देखें इससे बड़ा अच्छा बनता है, ये होता है, ये होता है। एक दिन नहीं पाकिस्तान उससे वीडियो बनाई, कश्मीर में बनाई थी, कश्मीर में ही बनाई थी। माइक कितना यूज होता है, चलो माइक काम आए हैं और तो कुछ नहीं। जब भी हवा में जाओ लोगों के वो शोर 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 हवा आ रही होती है, माइक लगाना ही नहीं होता। हमारा तो ऐसा नहीं होता, तेरा ऐसा ही होता है जिथे कि जाए तेन माइक घर भूल जाना। अच्छा छोड़े ना, हमें ये चीज़ दे दे। अच्छा ये चीज़ है ना, माइक की हमें टेंशन ही नहीं होगी। अच्छा ये माइक भी जाया, हर शे जाया नहीं, माइक जाया नहीं, माइक इस्तेमाल में रहेगा। पर मतलब वैसे कह रहा हूँ माइक की हमें टेंशन ही नहीं होगी। हमें तो किसी चीज की भी टेंशन नहीं होती। तेरे हाथ में खुजली है, दिखा जरा मुझे, कोई ने ना धो के रखा कर कि भाई रोज दूसरे दिन नया कट्टा खोल लेते हैं, ये कर लें ये कर लें ये कर लें, कल को लोगों ने कहना क्या कमाई की है पूरे साल में। मैं कमाई को अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह कहता है अल्लाह पाक कहता है लगाओ, लेकिन हाँ खाने पीने पे लगाओ सारा कुछ। वो मैं कभी भी नहीं मना, जिम पे लगाता हूँ ना, जिम पे तो 100 यूरो जिम का देता हूँ। बोले आगे जिम वाला। बहरहाल आप ये 2 मिनट सोचे, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे पहले देखना था कौन है। सी ये क्या करा लिया, इधर से गैप क्यों आ गया दाढ़ी में? शुरू से गैप है मेरा। शुरू से किधर? बस कर दें, कौन से शुरू से आपके दाढ़ी में गैप है? ये वाले गैप आपके कब से शुरू में? 3 साल होने लगे। ओ यार अम्मी कितना अभी मैं सुबह का व्लॉग निकालू, सुबह तो ये व्लॉग में आई नहीं। अम्मी मुझे बताएं ये गैप अब्बू का कौन सा 3 साल से है? कौन सा? इधर इधर देखें, इधर इधर ये वाला गैप ये कब से है? कब से मैंने किया नहीं, आप भी शुरू करवाया और जब सारी मुंछें उतार दी थी उसने, तो कितने साल, 2 साल हो गए, लुंडे मुंडे हो गए। 2 साल तो नहीं हुए, तब से आदत। अबू भी कटिंग कराया, मैं भी कटिंग कराया, वाह एक ही दिन च 2 कटिंग एक ही बंदे को लूं तो दोनों ही पता सी करा के आए हैं। क्या तुम ले आया? पता हम ऐसे करा के आए हैं, जेड़ा करवा के हमने उन्हें ही पता हमने। आप जरा एक फरमाए, जरा एक सिफारिश करें। आज मैंने ना आप ये जो है ना, छोड़ें ये चीजें इसमें रखें, छोड़ें चल फिर। अच्छा नहीं अच्छा ये इसमें रखें क्या? वो ऐसे कीड़े से हो जाते हैं आजकल, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। पहले किसी ने कमेंट भी किया था इसमें, अच्छा एक सिफारिश करो, वो इधर हो ना, कानों से सुननी है सिफारिश, सिफारिश करो ना सिफारिश। हाँ बस थोड़े से मेरे अकाउंट से मेरे को क्या पैसा निकाल दें, वो नहीं सिफारिश हो सके। बोले बोले आप बोलो, थोड़े से पैसे कट दें। नहीं क्यों बचाए ने पैसा बर्बाद। नहीं नहीं बोले अकाउंट से थोड़े पैसे निकाल, क्योंकि ज्यादा नहीं थोड़े से चाहिए बस। यार अजीब बंदे हैं आप, सिफारिश ही नहीं करनी। क्या होना ये वाक करके आए हो तो देखिए जरूरत है। ठंडा है ना पानी, ठंडा है, कोई पानी नहीं उठू पाया है उसमें से, नहीं ना फ्रिज में से डाला, कोई ठंडा नहीं पानी दूसरा डाल। हाँ कोई जरूरत नहीं, कहाँ से डालूं दूसरा, ऐसा ही सही, कोई जरूरत नहीं है। वाक करके आके तो तू मेरी सिफारिश नहीं करनी तो बाहर दूध डाल लेंगे। ठंडा है ना पानी, में ठंडा नहीं पीता। क्या कर रहे हो तो उसमें बोतल से डालो। नहीं है ना उसमें लस्सी बना के। एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग है और कुछ भी नहीं। कसम से बहुत बेवफा निकले अब तो, कोई वफा की इधर उम्मीद ही नहीं है। लोग दूध च पानी पाते ने, पानी च दूध पाते ने ना, दूध च पानी पाया, पहले पानी पाया फिर दूध। हाँ तो इतना सारा पानी, इतना सारा पानी से आधा आधा कौन पीता है? वॉक करके आके नॉर्मल बैठ के पानी पीते हैं। जूस भी इसलिए कह रहे हैं कि जब इतनी कैलोरीज कम थी है, क्या फायदा चीनी वाला जूस उसी वक्त चढ़ाने का? कोई थोड़ा सा ठंडा पानी नहीं पीना था ना, इसलिए तो गर्म पानी पिए यहाँ से। नहीं है ना नीचे से ले आए ना, तो अब नीचे जाऊं उसके लिए। हाँ तो कोई बाहर से बंदा रखो एक जो पानी ऊपर लाया करे। चलो उधर चल, गर्मी है थोड़ा। नहीं अभी नहीं भाई, अभी बहुत खर्चे हैं, मुझे खर्चे बहुत हैं, पहले वो तो पूरे कर लें। चले 5 एक ही दे दें, बाकी देखते हैं। 8 मैं खुद निकाल लूँगा, देखते हैं। मेरे को भी मैसेज आ जाता है, पुत्र ऐसी भी बात ना कर, मुझे मैसेज उसी वक्त आता है जिधर जिधर तू करता है। इडली अम्मा को ना गाफल समझा कर, अम्मा बोलती नहीं थी, इसका मतलब है सुनती भी है देखती भी है। अच्छा, 2 कान भी दिए। वैसे 1 महीने तक मुझे चाहिए, महीना देखते हैं। इस महीने अच्छे ब्लॉग बनाना, फिर देखते हैं सही, जिन पे अच्छे कमेंट्स आए, अच्छे लाइक्स आए। 20,000 कर लिए अगले महीने तक, कर ले फिर दे दो। पक्की बात है, पक्की वादा। कितने करने? 20,000 उन्हें ना बिनता कर, अम्मा नियत कीतियां उन्हें ना निया कर। गाइस अम्मी ने बोला 20,000 सब्सक्राइबर्स कर दें, यकीन मानो ऐसा व्लॉगिंग अपग्रेड होगा ना सेटअप, आप लोग कहोगे यार इतने आला व्लॉग्स, इससे ज़्यादा अच्छे व्लॉग क्वालिटी व्लॉग्स किसी के भी नहीं है। और कोई भी वो चीज़ अभी यूज़ नहीं कर रहा, जहाँ तक मुझे पता है व्लॉगिंग में कोई भी नहीं कर रहा। तो भाई प्लीज़ 20,000 सब्सक्राइबर करा दो, 3-4 सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर की बात है। सब अपने दोस्तों को शेयर करो, जल्दी से सब्सक्राइब करा दो भाई, बहुत भूख लगी हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। ओके भाई खाना शाना खा लिया हमने, मुझे तकरीबन आधा 1 घंटा 40 मिनट हो गया खाना खा के, कुछ काम कर रहा था उसके बाद। तो अभी जिम जाने लगा हूँ, जिम जाते हैं। तो चलो भाई अभी तैयार होते हैं जिम जाने के लिए, तो फिर मिलते हैं, तैयार हो लें सर। चलो भाई तैयार हो गए हम, चलते हैं जिम। और आज क्या मारने, आज हमने करनी है चेस्ट। मैंने चेस्ट करनी है, बमसा अलग से करेगा, मैं अलग से करूँगा, बट फिर भी गाइडेंस दे देगा जो करनी होगी, क्योंकि उसकी बॉडी गोल अलग है, मेरा बॉडी गोल अलग है। तो हमने पूरा अपना एक प्लान बनाया है, उसको फॉलो करेंगे आज से इंशाल्लाह। 2 महीने में रिजल्ट देखना भाई का, भाई 2 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट डाइट डाइट भाई मैजिकल, सबसे मैजिक चीज़ डाइट है। हफ्ता अपनी डाइट सही करो, फिर तुम अपना वेट कम होते देखो। भाई मेरी डाइट अब बहुत अच्छी है भाई। देखो भाई अपना ध्यान रखो। 2 hours later I just finished my chest and क्या था biceps और no triceps, chest and triceps day और so done, but just wait, आएगा 2 महीने में you will see a different JB। अभी कार्डियो का टाइम है, कार्डियो करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। लो भाई जिम बंद होगी, हम लोग जा रहे हैं अब जिम से भाई। कैनो सलूद आज ओके हेलो कम ताई ओई हिमनासियो एंड cansado de working and working my ass out। Wow, good day in the gym इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं, बस देखना भाई आपका करेगा। तो बाकी जहाँ तक रही बात यार, देखो 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता तो आप लोग अच्छे तरीके से 20,000 सब्सक्राइबर्स करा दो 1 महीने के अंदर अंदर। वो इस तरह होगा कि आपने हर वीडियो पे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करनी है। वीडियो अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे चैनल सब्सक्राइब कराओ, ताकि हम 20,000 पे पहुँचे। सिर्फ 16 कितने हैं, 16.2 ठीक है, 17, 18, 19, 20 4,000 सब्सक्राइबर्स की बात है। करा दो यार, बड़ा ज़बरदस्त सेटअप हो जाएगा ब्लॉगिंग का कसम से। और दूसरा तरीका ये है कि मैं सोच रहा हूँ चोरी कर लूँ अम्मी के अकाउंट से। आई मीन अकाउंट तो मेरा ही है, बट अम्मी भी के पास उसका होल्ड है, सो चोरी कर लूँ अगर तो मतलब बाद में डांट मार पड़ेगी, पर वो भी कर सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल हमारे पास 1 महीना है, तो 1 महीना हम ट्राई करेंगे, पहले सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद चोरी वाला प्लान सोचेंगे, थप्पड़ छप्पड़ खा लेंगे बाद में। बट या विद ऑल दैट बीइंग सेड एंड डन, टाइम हो जाता है इस व्लॉग को एंड करने का। बाकी आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा कल एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।